हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल। इन दिस वीडियो हम लोग रिव्यू करेंगे जो हीरो कॉप्स कंपनी है उनका जो यूनिवर्सिटी है बीएमएल मुंजाल गुड़गांव में उसका एमबीए प्रोग्राम हम लोग रिव्यू करेंगे। मेरा नाम सागर आनंद है, मैंने बीटेक किया वीआईटी वेलोर से, मैंने एमएस किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से एंड आई एम अ सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग कैरियर काउंसलिंग फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उनकी फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, आरओआई कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कब ये चूज करना चाहिए। आवर चीफ मेंटर इज मिस कृति, शी इज फ्रॉम एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए। शी इज डन हर एमबीए एंड करेंटली शी इज द फर्स्ट नेशनल, शी इज द डायरेक्टर इन द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ ओमाहा। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंटली कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। सो इट इज 2014 स्टैब्लिश्ड, तो 6 ईयर्स इज ओके, इट्स नॉट अ वेरी बिग टाइम टू बी सेटल्ड। बट बात यह है क्योंकि ये हीरो कॉप्स का है तो इनके लिए 6 साल काफी है बिकॉज दे हैव आई थिंक सो दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो दे हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी जिसको वो स्पेंड कर सकते हैं। एंड ये आपको अभी दिखेगा, ये कब दिखेगा आपको, वेन वी लुक एट द फैकल्टीज। अगर आप इनकी फैकल्टीज अभी ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको और डिटेल में एक बार बताऊंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में जरूर उनका एक्सपीरियंस रहा हो कॉर्पोरेट में, बिकॉज कॉर्पोरेट में जब एक्सपीरियंस होता है तब वो जो टीचिंग करते हैं वो काफी एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहती है एंड उससे एक आइडिया स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रियल लाइफ में जब वो जाएंगे काम करने तो कैसा लगेगा। तो इनकी अगर हम फैकल्टीज देखें, इनकी अगर फैकल्टीज देखें सो दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम इरमा, दे हैव डन डीयू, दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन सम ऑफ देम, एकेटीयू से कोई लोग, कुछ लोग एकेटीयू से, कॉर्पोरेट से कई लोग हैं और काफी लंबे एक्सपीरियंस के साथ कॉर्पोरेट में आए हैं। एंड लाइक फॉर कॉर्पोरेट से वो कोका कोला से में से पढ़े हैं कुछ सर जो हैं यहाँ पे, एंड जो वो कोका मतलब पढ़े हैं सॉरी उन्होंने काम किया है कोका कोला में एंड मार्केटिंग डिवीजन में काम किया है। तो अगर आप इनका स्पेशल कोर्स देखना चाहते हैं एक तरह से कि ये किसमें एक काफी अच्छा एक पेडागॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह है मार्केटिंग, क्योंकि आपको मार्केटिंग में एक अच्छी पढ़ाई भी मिल जाएगी प्लस क्योंकि इनके वहां से लोग वहां पे काम कर चुके मार्केटिंग में तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उसका एप्लीकेशन भी मिल सकता है। और यहाँ पे एमडीआई से भी पढ़े हुए फैकल्टीज हैं, जामिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि उन्होंने जामिया से पीएचडी करी है, एक्सेलराई से पढ़े हुए हैं, सो दीज आर रियली रियली गुड। अगर अभी हम इनकी रैंकिंग देखेंगे तो आप उसमें देखिएगा कितने अच्छे हैं, और DTU से पढ़े हुए हैं और IIT गाजियाबाद से, तो दीज आर रियली गुड। अगर हम एक बार इनकी फैकल्टीज पर नजर भी डाल लेते हैं तो फिर आप देखिए सेंट स्टीवन से पढ़े हैं, इरमा से पढ़े हैं एंड राइट नाउ MDI से जो है डॉक्टरेट हो रहा है, तो ये काफी अच्छी प्रोफाइल है। एंड आई एम श्योर कि ये जो फसर हैं जैसे ये प्रोफेसर देवेंद्र सिंह है, नाउ ही ऑल्सो हैज एक्सपीरियंस इन कोका कोला एंड अदर इंडियन कंपनी, सो दिस इज काफी अच्छी प्रोफाइल है प्रोफेसर की। इफ यू लुक एट हिम एट दिस अनदर प्रोफाइल, नाउ दिस सर हैज डन फ्रॉम जामिया इस्लामिया, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलराई, सो इन्होंने जो है मास्टर्स इन आर्ट्स एंड रिलीजियस स्टडी किया, काफी अलग तरह की एक डिग्री रही है, तो आप इनका अगर नेचर इस चीज से समझ सकते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, एक एक्सप्लोरेटरी नेचर डेफिनेटली रहा होगा, नहीं तो ऐसी डिग्री वो ही कर सकता है जिसकी इस, वो भी 1989 में। उसके बाद फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, MIT है, DTU है, तो काफी की अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं अगर आप सही से यहाँ पे थोड़ा भी अटेंशन देते हैं टीचर्स को, तो यहाँ से काफी कुछ सीखा जा सकता है, डेफिनेटली सीखा जा सकता है। आइए सैलरीज देख लेते हैं, तो सैलरीज पहले हम लोग प्लेसमेंट यहाँ पे देख लेते हैं एंड प्लेसमेंट जो है यहाँ पे प्लेसमेंट जो इनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि इनके जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 65 थे, दोज वर द टोटल स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा इसका एक्सपेंसिव रहता है तो सब लोग नहीं जा रहे हैं, एक अपर मिडिल क्लास ही इसे अफोर्ड कर पाएगा, और 61 स्टूडेंट्स का जो है प्लेसमेंट हो गया, तो दिस इज काफी अच्छा कन्वर्जन रेट हो गया, ऑलमोस्ट ये 90% से ऊपर ही चला जाता है कन्वर्जन रेट। एंड इनकी जो मीडियन सैलरी है 7.8 लाख पर एनम है,
तो ये मीडियम सैलरी काफी अच्छी मानी जाएगी ऐसे कॉलेज के लिए जो केवल 6 साल पुराना है। तो इसका मतलब ये है कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी या तो सैलरी 7.8 है या फिर 7.8 लाख प्लस सैलरी है एटलीस्ट 29 स्टूडेंट्स की। और फैकल्टी अगर इनकी रेट करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, तो इनको एनआईआरएफ में 18 out of 20 marks मिले हैं एनआईआरएफ में। और अगर ये कंपेयर आप करोगे, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, तो ये सीधे जाके बीएचयू की फैकल्टी के साथ कंपैरिजन होगा एटलीस्ट मार्क्स के लेवल पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह की प्रोफाइल्स हैं इनकी। सो दीज आर रियली गुड प्रोफाइल्स, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनके अगर आप रिसर्च को भी रेट करोगे तो इनकी रिसर्च को जो मिला है वो 18 out of 80 मिला है। एंड बीएचयू की रिसर्च को अगर रेट करेंगे, ये एनआईआरएफ के डेटा है, तो उनको 20 मिला है, तो ये उससे भी दूर नहीं है बहुत ज्यादा। और बीएचयू मिलता है 85 to 90 परसेंटाइल पे मिलता है इन कैट, तो ये काफी अच्छा कॉलेज हो जाता है। तो काफी जो इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा चीज हो सकती है। इनकी रैंक अगर हम देखते हैं तो इनकी रैंक एनआईआरएफ में 37 आती है आउट ऑफ 75 इंस्टीट्यूट्स, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। और अगर हम इनमें स्पेशल ये देखें कि क्या ये दे रहे हैं जो इनका अच्छा है, तो डेफिनेटली मार्केटिंग बहुत अच्छा है, एचआर इसलिए अच्छा है क्योंकि सर ने जामिया इस्लामिया से करी है, प्लस ये अलग से बिजनेस एनालिटिक्स का दे रहे हैं। ये जो एमबीए है काफी एक एम्प्लॉयबल एमबीए है, काफी एम्प्लॉयबल है। अगर आप इसके साथ जो है पाइथन सीख लेते हैं, दो ये कोर्स के अंदर होएगा ही, तो काफी एक अच्छा चीज हो सकती है। आइए इनका आरओआई देख लिया जाए। पहले इनकी सैलरीज की एनालिसिस थोड़ी सी यहाँ पे देख लें। और इनकी सैलरी की जो एनालिसिस आ रही है वो ये है कि यहाँ पे देखते हैं पहले लेटेस्ट, तो हाईएस्ट तो 23 लाख पे गया है, जो अगर हम कंपेयर करें तो आईएएम में मीडियन सैलरी रहती है, मीडियन सैलरी रहती है इतनी, मतलब 50% बच्चों को ये मिलता है। ठीक है, एवरेज 8.6 गया, ये भी कोई बुरा नहीं है, ये भी कोई बुरा नहीं, बस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये हो जाता है। जो टॉप 20-10% है उनकी 14 लाख सैलरी आई है, ये बहुत अच्छी बात है। टॉप 25 की नियरली 12 लाख आई है। अगर आप वहां देखते हैं किसी अच्छे डिग्री, मतलब क्या कहते हैं, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखते हैं, तो जनरली जो टॉप 10% होते हैं वो 10 लाख के ऊपर कमा रहे होते हैं, और ये 10 लाख के आसपास होते हैं। दिस इज वेरी वेरी नॉट वेरी वेरी एक्यूरेट, ठीक है, इससे नीचे भी जाता है क्योंकि हम कभी कभी 10% ऑफ द प्लेस्ड लेते हैं, उन्होंने 10% ऑफ होल लिया है। रिक्रूटमेंट इनके 50+ हैं, 25 न्यू रिक्रूटमेंट पार्टनरशिप्स हैं, और 81% इनकी इस साल गई है। हमने लास्ट ईयर का डेटा देखा है जो 95% था, तो ये जो हमने डेटा देखा है वो बाई चांस ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअली ये इस रेंज में रहते हैं, जो स्टिल बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, क्योंकि 60 ही बच्चे हैं, तो 60 बच्चों में से 10-12 का नहीं भी अगर हुआ तो दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, इसे ठीक ठाक तरह से लिया जा सकता है। यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द कंपनीज। ये कंपनीज बड़ी आ रही हैं, हीरो तो ये खुद ही है, केपीएमजी अच्छी बड़ी कंपनी है, तो ये मुझे लग रहा है ये सही हो सकता है क्योंकि हीरो इतनी बड़ी कंपनी है कि एक तरह से उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं डेफिनेटली इन कंपनीज के साथ। तो ये तो उनकी खुद की कंपनी है, तो कंपनीज आने के यहाँ चांसेस डेफिनेटली हैं। आरओआई की बात करें तो टोटल जो है वो 11 लाख, एंड फिर जो उनकी टोटल एनुअल कॉस्ट है वो 2 लाख के करीब है हॉस्टल की, सो दैट इज नियरली 15 लाख का टोटल कॉस्ट आपको यहाँ आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ जाके देखें इसमें, अब हमारी मेन जो स्लाइड है और हम आरओआई में अगर आए, तो अब आपने जो स्पेंड किया है दैट इज 15 लाख आपने स्पेंड किया है, एंड 50% ऑफ द प्लेस्ड स्टूडेंट्स को 7.8 लाख का जॉब मिला है, तो ऑलमोस्ट जो हो गया ये इनका आरओआई हो गया 50% के करीब, मतलब उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसका ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा ज्यादा इन्होंने ले लिया है। टॉप 10% जो थे, 10% जो स्टूडेंट्स थे टॉप के, 10% स्टूडेंट्स, उसमें इन्होंने बताया है अगर हम देखें कि कितना मिल रहा है उनको अलग अलग साल में,
तो 10, 11, 14 ऐसे मिल रहा है, तो हम अगर उसको एवरेज आउट करके ले लेते हैं 11 के करीब, 11 के 11 लाख के करीब, तो 11 लाख से जो है इनका जो अब आ जाता है वो नियरली आप कह सकते हैं कि हम अगर 10 लेते इसको, 10 10 अपॉन 15 जो होता दैट वुड हैव बीन लाइक 2/3, 66% के करीब होता, 66.6 समथिंग के करीब होता परसेंट आरओआई। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट आरओआई आ जाता है। अगर आप देखोगे तो ये जो आरओआई है ये नियरली 60 to 70% ज्यादातर हमने देखा है, जो भी कॉलेजेस हमने रिव्यू करे हैं, एबीईएस हो गया या फिर एकेजी हो गया, और भी हमने जो कॉलेजेस रिव्यू करे हैं उसमें इसी के आसपास आ रहा है। तो आरओआई इनका बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, बट इनकी जो सैलरीज हैं ऊपर जा रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली ऊपर जा रही है। सो दिस इज आवर रिव्यू एंड दिस इज द होल डेटा ऑफ BML Munjal. If you have any other colleges which you want us to review for MBA, do let us know. For any other study you want to review something, do let us know. Do like the video and do subscribe to our channel. This is Career Pool, the Education Gurukul, and I am your career counselor, Sagar. Thanks.